दोस्तों आज हमारे पास दो बाइक है जो कि एक ही ब्रांड के, यामाहा ब्रांड के, और सेगमेंट भी आपको एक ही मिल जाता है, 155cc की दोनों बाइक हैं। ये हमारे पास यामाहा की FZS 155cc और दूसरी हमारे पास है यामाहा की FZX 150cc बाइक। दोनों की कैटेगरी अलग है, ये रेट्रो बाइक है और ये हमारी नेकेड बाइक है, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक आप इसे बोल सकते हो। सो आज हम करने वाले हैं फुल डिटेल कंपेरिजन इन दोनों बाइकों के बारे में, कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी बाइक नहीं लेनी चाहिए, काफ़ी सारी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे स्पेक्स फीचर्स में कंपेयर करने वाला हूँ सामने और सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा मिलना चाहते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। आपको इसमें दो वेरियंट मिलते हैं और इसमें आपको मिल जाते हैं तीन वेरियंट। आपको इसमें मिल जाता है एक विदाउट ब्लूटूथ जो कि नॉर्मल वेरियंट रहने वाला, उसकी आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है मुंबई की 1,34,000 रुपये। दूसरा आपको ब्लूटूथ के साथ में आता है, उसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाली है 1,40,000 रुपये। और तीसरा आपको मिल जाता है डिलक्स वेरियंट विद ब्लूटूथ। ये डिलक्स वेरियंट है, टॉप मॉडल है जो कि विद ब्लूटूथ आता है, इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाली है 1,44,000 रुपये। और इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप कॉल भी कर सकते हो एंड विजिट भी कर सकते हो। और अभी हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक ब्लूटूथ एंड विदाउट ब्लूटूथ। विदाउट ब्लूटूथ वाला जो है बंद हो चुकी है, बाइक नहीं आती अभी, विद ब्लूटूथ ही आती है। इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाली है 1,55,000 रुपये। सो इसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं और ये टॉप मॉडल है, सो इसका कंपेरिजन बनता है। सॉरी दोस्तों, मैंने इसकी प्राइस बता दी थी 1,55,000, लेकिन 1,52,000 ऑन रोड प्राइस इसकी रहने वाली है। प्राइस डिफरेंट आप समझ सकते हो, इसकी 1,52,000 ऑन रोड प्राइस है, इसकी 1,44,000 रुपये है। ऐसा कैलकुलेट किया जाए तो आपको 8,000 प्राइस इसकी ज़्यादा है। सो अभी हम डिटेल से जान लेते हैं इन दोनों बाइकों के बारे में। सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। ये रही बाइक हमारी FZS जो कि सामने से कुछ ऐसे दिखती है, बहुत ही अग्रेसिव लुक के साथ में आती है। इसकी हेडलाइट की बात करें तो आपको LED मिल जाती है जिसमें आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलने वाली है रात के समय में, चाहे हाई बीम की बात करें, लो बीम की बात करें। और इंडिकेटर आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाले जो कि कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। सो ये फ्रंट से कुछ ऐसे दिखेगी। अभी हम बात कर लेते हैं FZX की हेडलाइट के बारे में। ये रही FZX की हेडलाइट। इसकी हेडलाइट की बात करें तो आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है, साथ में आपको DLB आपके LED मिलने वाला है। सो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी भी इसकी आपको मिल जाती है। इसमें जो प्रोजेक्टर आपको MT में यूज होता है वही यूज हुआ है। इंडिकेटर आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाला है। सो ये फ्रंट से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट की बात करें तो आपको दोनों बाइकों में आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाते हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। दोनों बाइकों में आपको सेम सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें आपको सस्पेंशन को कवर किया गया है, बल्कि वहाँ पे कवर नहीं किया गया। दोनों बाइकों में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में मिल जाता है। और रियर का सस्पेंशन अभी हम देख लेते हैं। रियर के सस्पेंशन की बात करें, दोनों बाइकों में आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं। FZX में आपको मिल जाता है मोनोशॉक, सेम सस्पेंशन आपको FZS में मिलने वाला है, मोनोशॉक सस्पेंशन। सो सस्पेंशन सेम ही आपको मिलते हैं दोनों बाइकों में। और नीचे आके यहाँ पे देखिए तो आपको मडगार्ड मिल जाता है मेटेलिक, जबकि FZS की बात करें तो आपको यहाँ पे फाइबर के मडगार्ड मिलने वाले हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं टायर के बारे में। दोनों बाइकों में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, लेकिन टायर का पैटर्न आपको अलग देखने को मिलेगा। इसका टायर का पैटर्न आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है, थोड़ा ब्लॉक पैटर्न जैसा, और उसका देख लेते हैं इसका और टायर जैसा आपको टायर का पैटर्न मिलने वाला है। और अभी हम बात कर लेते हैं टायर साइज के बारे में। FZX के टायर की बात करें तो आपको 100/80 का फ्रंट का टायर मिलने वाला है। और FZS की बात करें, इसमें भी आपको सेम टायर साइज मिल जाएगा 100/80 का। और व्हील की बात करें तो आपको 17 इंच के एलो व्हील मिलने वाले हैं जिसका कलर ब्लू रहने वाला है। और एक गोल्डन कलर में मिलता है डिलक्स वेरिएंट, उसमें आपको गोल्डन कलर का व्हील आपको मिल जाता है। और इसकी अभी हम बात कर लेते हैं FZS की, इसमें भी आपको 17 इंच की एलो व्हील मिल जाती है जो कि ब्लैक कलर की रहने वाली है। अभी हम ब्रेक की बात कर लेते हैं। दोनों बाइकों में आपको डुअल डिस्क मिलने वाले हैं, साथ में आपको मिल जाता है दोनों बाइकों में सिंगल चैनल ABS। अभी हम रियर के टायर की बात कर लेते हैं। पहले हम FZX की बात करें, इसमें आपको ब्लॉक पैटर्न वाले टायर मिल जाएंगे जो कि रेडियल टायर रहने वाला है। टायर साइज आपको मिल जाती है रियर में 140/60 का। और भी बात कर लेते हैं FZS के बारे में, इसमें भी आपको सेम ही टायर साइज मिलने वाली है 140/60 का, लेकिन टायर का पैटर्न आपको अलग देखने को मिलेगा ऑन रोड जैसा, और इसमें भी आपको रेडियल टायर मिल जाता है। आप लोगों ने दोनों बाइकों के इलेक्ट्रिकल पार्ट, सस्पेंशन एंड टायर के बारे में जान लिया। अभी हम जान लेते हैं इन दोनों बाइकों के इंजन के बारे में, इंजन आपको कैसा इन दोनों बाइकों में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम FZS की बात कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं, दोनों बाइकों में आपको सेम इंजन देखने को मिल जाते हैं। FZS की बात करें तो आपको मिलने वाला है 149cc का इंजन, जिसमें आपको पावर मिल जाती है 12.4 PS एट 7,250 RPM, टॉर्क आपको मिल जाता है 13.3 Nm एट 5,500 RPM, और आपको सिंगल सेंडर फोर स्टॉक टू वॉल्व एयर कूल FIA, और साथ में आपको मिल जाता है 5-speed गियरबॉक्स। यही सेम टू सेम इंजन आपको FZX में मिलने वाला है। इंजन के मामले में दोनों बाइकें सेम है, आपको सेम RPM, टॉर्क, पावर एंड इंजन मिल जाता है। सो यहाँ पे कोई भी कंपेरिजन नहीं मिलता, ऑलमोस्ट दोनों बाइकों में आपको सेम इंजन मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं दोनों बाइकों का सीट, फ्यूल टैंक एंड मीटर कंसोल के बारे में। तो सबसे पहले हम FZS की सीट की बात कर लेते हैं। ये रही इसकी सीट, काफ़ी लंबी चौड़ी आपको सीट मिल जाती है, कुशनिंग आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी।
जाएगी। सो इसमें आपको पिलियन कम्फर्ट, राइडर कम्फर्ट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है इस बाइक में, और ऐसा कुछ आपको गियर बेल मिल जाता है। और इसका आप टेल सेक्शन देख सकते हो, टेल लाइट आपको एलईडी मिल जाती है, इंडिकेटर आपको बेल मिलने वाले, रियर से बाइक काफ़ी खूबसूरत दिखती है। अभी बात कर लेते हैं एफजेड एक्स के बारे में। ये रहा है एफजेड एक्स का टेल सेक्शन, टेल लाइट आपको एलईडी मिल जाती है, इंडिकेटर आपको बल मिलने वाला है, जो कि कुछ ऐसे दिखेंगे। और अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट के बारे में। आपको कुछ ऐसी सीट मिल जाती है, सिंगल सीट मिलने वाली है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी मिल जाएगी अगर आप इसमें बैठोगे तो, सोफा वाली फीलिंग आने वाली है। इसकी भी आपको राइडर एंड पिलियन राइडर का अच्छा कम्फर्ट मिल जाएगा, बाकी डिपेंड करता है आपको दोनों बाइकों की सीट किसकी अच्छी लगती है। अभी हम बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक के बारे में। ये रहा एफजेड एक्स का टैंक, जो कि बहुत स्टाइलिश दिखता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है 10 लीटर का, माइलेज में हिसाब से आपको मिलने वाली है लमसम 35 to 40 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। और अभी बात कर लेते हैं मीटर कंसोल के बारे में। आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और काफ़ी सारे कूल से फीचर्स मिल जाते हैं। जितनी की आपको ज़रूरत है उतने सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। और रेसिंग हैंडल बार की बात कर लेते हैं, सो यहाँ पे आपका थ्रॉटल, ब्रेक लीवर, किल सीट, सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है। सिंगल पीस में रेसिंग हैंडल बार मिलेगा। इधर के स्विचेस की बात की, अपर डिपर, ये आपका हेडलाइट का हो गया कंट्रोल, इंडिकेटर, हॉर्न काफ़ी लाउड हॉर्न है, ये आपका हो गया था क्लच लीवर। और ये रहा है एफजेड एस का फ्यूल टैंक, जो कि आपको कुछ ऐसे मिलने वाला, काफ़ी स्टाइलिश फ्यूल टैंक है। और फ्यूल टैंक आपको इसमें मिलने वाला है 30 लीटर का, और माइलेज मेरे हिसाब से आपको इसकी भी सेम देखने को मिल जाएगी 35 to 40 के आसपास। काफ़ी स्टाइलिश फ्यूल टैंक, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पे लगेगी। मैं आपको मीटर कंसोल ऑन करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, लेकिन बहुत ही छोटा सा मिलने वाला है। इसमें भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, काफ़ी सारी कूल सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं, जितनी की आपको ज़रूरत है उतनी आपको मिल जाती है। अभी रेसिंग हैंडल बार की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो आपको थ्रोटल, ब्रेक लीवर, किल स्विच एंड सेल्फ का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंगल पीस में आपको रेसिंग हैंडल बार मिलने वाला है, अपर डिपर, इंडिकेटर, हॉर्न, ये आपका हो जाता है क्लच लीवर। सो दोस्तों, आप लोगों को जाना इन दोनों बाइकों के बारे में, सारा कंपेरिजन मैंने आपको करके बताया इन दोनों बाइकों में आपको क्या अच्छा मिल जाता है, क्या नहीं मिल जाता। अभी हम फाइनल बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। मैं सीधी से एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आप ऑन रोड चलाना चाहते हो, अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, तो मेरे हिसाब से आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। ये सिटी एंड हाईवे में चलने लायक काफ़ी अच्छी बाइक है, और कंफर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। राइडर एंड पिनियन राइडर को परफॉर्मेंस आपको सेम मिलने वाली है दोनों बाइकों में, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और वहीं पे अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है या फिर उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलाना है, विलेज वाले साइड से हो, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। इसका एक अलग लुक देखने को मिल जाता है, मुझे पर्सनली इसका लुक ज़्यादा अच्छा लगा एफजेड एस के कंपेरिजन में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग कैसा लगा। और फीचर्स की बात करें, ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बड़ा डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, एंड अलग लुक देखने को मिल जाता है। ये रेट्रो बाइक है, ये आपकी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है। सो यही चेंजेस है, फीचर्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं इन दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक लेंगे, आप लोग ओपिनियन कौन सा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।